हेलो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो इज अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईजी, या इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। दो चेन पाए जाते हैं, एक लाइट चेन और एक हैवी चेन, इसको बोलते हैं H2L2। दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, ये दो जो दोनों चेन आपस में जुड़े होते हैं सल्फाइड बॉन्ड से। ये जो आपको दिख रहा है ये है लाइट चेन, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये है हैवी। लाइट चेन और एक हैवी चेन जुड़ा होता है सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, इसको बोलते हैं इंटर सल्फाइड बॉन्ड। जो दोनों हैवी चेन हैं ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड से, इन्हें बोलते हैं इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इसे बोलते हैं इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, और इसे बोलते हैं इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक। जो लाइट चेन है, लाइट चेन है इसमें टोटल दो यूनिट होते हैं, एक को बोलते हैं कापा और दूसरे के बोलते हैं लैम्डा। एक को कापा बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। और जो हैवी चेन है, हैवी चेन के पांच सब यूनिट होते हैं। सबसे पहला जो होता है ये होता है गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन, ये पांच सब यूनिट होते हैं इसके। ये जो दोनों हैं लाइट चेन है, लाइट चेन में टोटल 212 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 212 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और जो हैवी चेन है इसमें टोटल 450 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों चेन दो रीजन में डिवाइड होते हैं, एक को कहते हैं वेरिएबल रीजन, एक को बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। जो वेरिएबल रीजन है इधर से क्या करता है, आपका एंटीबॉडी जो है बाइंड करता है यहाँ से एंटीजन से, और जो कांस्टेंट रीजन है इस ये होता है इधर से जुड़ा हुआ, ठीक है। जो हैवी चेन है, हैवी चेन में टोटल चार सब यूनिट होते हैं, एक जो हो गया वेरिएबल रीजन हो गया, तीन जो होते हैं कांस्टेंट रीजन होते हैं, इसलिए इनका नाम देते हैं H1, H2, H3, ठीक है। ये जो वेरिएबल रीजन है यहाँ अमोनियम आयन होता है, अमोनिया यहाँ बाइंड करता है कोई भी एंटीजन से, और जो कांस्टेंट रीजन होता है इसका जो इंड पे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। ये दोनों जहाँ से आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं दो हैवी चेन, यहाँ से एक एंजाइम जो है इन दोनों को ब्रेक करता है, इस रीजन से ब्रेक करता है, इसे बोलते हैं हिंज रीजन, और एंजाइम जो ब्रेक करता है उसे बोलते हैं पेपाइन, ये क्या करता है, जो कांस्टेंट रीजन जो हैवी चेन का फर्स्ट है यहाँ से CH1 और CH2 के बीच से इसको ब्रेक कर देता है, और क्या बना देता है, दो फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देता है। एक को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, जो ऊपर वाला है इसे बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट FAB, और ये इधर वाला है इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट, इसे क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट, इसे बोलते हैं शॉर्ट। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक। इसके कंसंट्रेशन के आधार पे इसे पांच टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गेम डी, ठीक है। इसका क्या होता है आईजी, शॉर्ट फॉर्म में इम्यूनोग्लोबिन, IgG, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgM, IgD, IgE, ये होता है इम्यूनोग्लोबुलिन के पांच टाइप। अब हम बात करते हैं इसके जो है हैवी चेन, हैवी चेन में जो टोटल पांच सब यूनिट होते हैं, ये क्या होता है, पांच जब सब यूनिट होते हैं, जी से गामा, ए से अल्फा बोल दीजिए इसको, यम फॉर म्यू हो गया, डेल्टा हो गया डी से, ई से एप्साइलन, ए पांच,
आईजीजी है, जो आईजीजी है इसमें गामा वाला पाया जाएगा पार्ट, आईजीए में, अल्फा आईजीएम में, म्यू आईजीडी में, डेल्टा आईजीई में, एप्सिलॉन, ठीक है। बट जो हमारा लाइट चेन है, जो लाइट चेन है, इन इसके जो दो यूनिट होते हैं कापा और या फिर कापा एंड लिम्डा, इन दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, इन दोनों में से कोई एक पांचों यूनिट में पाया जाएगा, या जी हो, ए हो, एम हो, सभी में एक पाया जाएगा, या फिर कापा हो या फिर लिम्डा हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक के डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं आईजीजी की। जो आईजीजी है इसमें क्या होता है, जो हैवी चेन है, हैवी चेन का जो है, हैवी चेन का कौन सा पाया जाता है, ये हैवी चेन का पाया जाता है गामा वाला पार्ट, और जो लाइट चेन है, और जो लाइट चेन है इन दोनों में से कोई पाया जाएगा, ये सभी में होगा, या तो फिर कॉपर पाया जाएगा या फिर क्या होगा लिम्डा पाया जाएगा, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 150,000 होता है, 150,000 होता है। ये क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाया जाता है। फिर इसका जो अगला फंक्शन है, इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, प्लेसेंटेशल बैरियर को क्रॉस कर जाता है, क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और ब्लड वेसल को भी क्रॉस कर सकता है, ब्लड वेसल को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, फॉरेन सेल को डिस्ट्रक्शन करता है, क्या करता है, हेल्प करता है फॉरेन सेल के डिस्ट्रक्शन में, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन सेल, ठीक है। हम बात करते हैं अगले टाइप की, आईजीए की बात करते हैं, आईजीए की सेम कंडीशन इसमें भी, जो आईजी है इसमें जो हैवी चेन है, हैवी चेन का जो दूसरा वाला पाया जाता है, हैवी चेन का पाया जाता है अल्फा टाइप, हैवी चेन का ए फॉर अल्फा टाइप, और जो लाइट चेन है, लाइट चेन में या फिर दोनों में सभी में यही, या तो फिर कापा होगा या फिर क्या होगा लिम्डा रीजन होगा, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 160,000, क्या होता है 160,000, और क्या होता है, हाँ ये जो होता है सबसे पहला ये होता है, जो ये होता है आईजीजी जो होता है, ये होता है मोनोमर, ये मोनोमर होता है, और ये जो होता है या फिर मोनोमर होगा या डाइमर होगा, क्या होगा मोनोमर होगा या फिर क्या होगा डाइमर होगा, ठीक है। और ये जो वाई शेप का होता है, जो अगर डाइमर है, अगर क्या है डाइमर, तो जो दोनों सब यूनिट हैं, दोनों सब यूनिट हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं जे चैन के द्वारा, कैसे कनेक्टेड होती हैं, जे चैन, इसे बोलते हैं जे चैन। ये जे चैन क्या करता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मेनली सिक्रीशन, सिक्रीशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में भी क्या, सलाइवा, टीयर, स्वेट और मिल्क, मिल्क और क्या होता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ, ये इन सब में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, टीवर में, टीयर में पाया जाता है, स्वेट में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, और वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है,
ठीक है, इसका काम जो होता है प्रिवेंट द फॉरेन सबस्टेंस, ये फॉरेन सबस्टेंस को रोकता है, ये क्या करता है फॉरेन सबस्टेंस को डिस्ट्रक्शन करता है, मारता है, ये क्या करता है इंट्री होने से ही रोक देता है, ये क्या करता है प्रिवेंट द फॉरेन सबस्टेंस फ्रॉम इंट्री ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है प्रिवेंट द इंट्री ऑफ फॉरेन सबस्टेंस, फॉरेन सबस्टेंस को इंट्री को रोक देता है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप आईजीएम की, जो इसका तीसरा टाइप होता है, क्या होता है आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन यम। ठीक है, इसमें जो है इसमें हैवी चैन जो पाया जाता है, जो हैवी चैन है ये म्यू टाइप का पाया जाता है, और जो लाइट चैन है, जो लाइट चैन है इसमें फिर से वही या तो कॉपा पाया जाएगा या का क्या पाया जाएगा लिम्डा, या कॉपा या फिर लिम्डा। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 9000, सॉरी 900,000 होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 900,000, और क्या होता है सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, क्या होता है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके ये होता है पेंटामर, ये क्या होता है पेंटामर, जो पांच सब यूनिट हैं इसके, जो पांचों सब यूनिट हैं ये आपस में जुड़े होते हैं फिर से यहाँ जे चैन के द्वारा, ये जो पांचों सब यूनिट है जो पांचों को जोड़ता है फिर से ये क्या करेगा जे चैन क्या करेगा सभी को जोड़ देगा। अब देखने से ही लग रहा है पेंटामर है तो सबसे लार्जेस्ट होगा भी और होना भी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं इसके क्या काम करेगा, काम क्या है, कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, देखिए ये क्या करता है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है, ये क्या करता है कैन नॉट क्रॉस, कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटल, ठीक है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है और ब्लड वेसल को भी नहीं क्रॉस करेगा। फर्स्ट ऐसा एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट ऐसा एंटीबॉडी है, फर्स्ट जो ऐसा एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस होता है रिस्पांस ऑफ एन एंटीजन, एक एंटीजन, फर्स्ट ऐसा एंटीबॉडी है जो एक एंटीजन के रिस्पांस में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव एंटीजन जो ये क्या होता है मोस्ट इफेक्टिव एंटीज अगेंस्ट, ये क्या होता है मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होता है मोस्ट इफेक्टिव होता है, मोस्ट इफेक्टिव किसमें होता है इनवेडिंग, इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम बात करते हैं फोर्स टाइप, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 180,000 होता है, जो हैवी चेन होती है हैवी चेन की डेल्टा टाइप पाई जाती है, और जो लाइट चेन की फिर से वही या फिर कॉपर पाया जाएगा या फिर लिम्डा पाया जाएगा, ये क्या होता है मोनोमर होता है, कंसंट्रेशन इसका सबसे कम होता है, इसका जो पाया जाना है ये पाया जाता है बी सेल के सर्फेस पर, इसका फंक्शन अननोन है बट फिर भी कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला टाइप, अगला जो होता है फिफ्थ टाइप होता है, फिफ्थ टाइप जो होता है आईजीई, क्या होता है आईजीई। ठीक है, ये क्या होता है हैवी चेन, इसमें जो हैवी चेन पाया जाएगा, इसमें जो हैवी चेन पाया जाएगा ये फिर से अब साइलेंट टाइप का पाया जाएगा, और जो लाइट चेन है, और जो लाइट चेन है इसका फिर से वही कॉपा या फिर लिम्डा टाइप का पाया जाएगा। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 190,000 होता है, 190,000 होता है, ये क्या होता है ये भी होता है मोनोमर, ये भी होता है मोनोमर। ठीक है,
प्रेजेंट जो होता है बिल्कुल सबसे लो अमाउंट में पाया जाता है, लोवेस्ट कंसंट्रेशन, माइन्यूट कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। ये क्या होता है, माइन्यूट कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। इंक्रीज ड्यूरिंग हैवी एलर्जी कंडीशन, क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग हैवी एलर्जी कंडीशन। हैवी एलर्जी कंडीशन में बढ़ जाता है, होता क्या है, बाइंड करता है ये क्या करता है, मास्ट सेल से बाइंड करता है, फिर क्या करता है, रिलीज करता है हिस्टामिन को। हिस्टामिन रिलीज करता है और क्या करता है, हिस्टामिन ही ये क्या करता है, एलर्जी। हिस्टामिन जो है ये काज करता है एलर्जी को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।